खबर सहरसा से है, जहां जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना अंतर्गत सिटानाबाद उत्तरी से अहली सुबह भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। सिमरी बख्तियारपुर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी इम्तियाज अहमद ने बताया कि मद निषेध इकाई बिहार पटना के गुप्त सूचना पर सिटानाबाद उत्तरी अंतर्गत नया टोला मस्जिद के उत्तर स्थित विश्व बैंक सड़क पर से एक ब्लू रंग के बिना नंबर के सोनालिका ट्रैक्टर से हिमाचल प्रदेश निर्मित रॉयल सन गोल्ड ब्रांड का 375 ml का 1650 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। शराब ट्रैक्टर के डाला में महीन गिट्टी में छिपा कर रखा गया था। डीएसपी ने बताया कि स्थल पर से जनार्दन यादव के पुत्र शंकर कुमार, सिकेंद्र यादव के पुत्र विभास कुमार और अलीम खान के पुत्र जुबेर आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से एक हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR19S6306 और एक सिटी 100 बजाज मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR19B9286 सहित चार मोबाइल और 45,550 रुपये नकद बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगी। मौके पर सिमरी बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार, पुलिस पदाधिकारी विनोद राय सहित अन्य भी मौजूद रहे। बीएनपी न्यूज के लिए सहरसा से संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट।